एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जून में अपने खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर अफसोस जताया है। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम कहा, प्रिगोजिन टैलेंटेड कारोबारी थे, मुझे उनकी प्लेन क्रैश में मौत का अफसोस है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कुछ गलतियां की थी। प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। क्रैश में 10 लोग मारे गए थे। यह एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को फाउंडर और पूर्वी रूसी स्पेशल फोर्स कमांडर दिमित्री भी सवार थे। वैगनर के और भी अधिकारी विमान में मौजूद थे। प्रिगोजिन की मौत पर अमेरिका की तरफ से अलग ही तरह का दावा किया जा रहा है। एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमें शक है कि प्रिगोजिन के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल दागी गई थी। ये जमीन से हवा में काम करने वाली मिसाइल थी और इसे रूस के किसी फौजी ठिकाने से फायर किया गया था। इस अफसर के मुताबिक अमेरिका के अलावा दुनिया की कुछ और जांच एजेंसियां इस मामले पर पैनी नजर रख रही है और बहुत मुमकिन है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और खुलासा होगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।